दोस्तों नमस्कार, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप कचरे से कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जो वेस्ट पड़ा है, एग्रीकल्चर वेस्ट है या जो लकड़ी का जो वेस्ट है, उस वेस्ट से आप कैसा पैसा कमा सकते हो, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि कोयले को बहुत सारी जगह बैन किया जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मोक, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो उसका एक सब्स्टिट्यूट मार्केट में आया, वो है बायोमास पैलेट, जिसको आप एग्रीकल्चर वेस्ट से, लकड़ी के बुरादे से बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और किन लोगों को करना चाहिए। अगर इस बिज़नेस के बारे में अगर मैं कुछ पॉजिटिव बताऊं, तो सबसे खूबसूरत बात इस बिज़नेस की ये है कि आपको गांव में करने के लिए ना बहुत शानदार बिज़नेस ये रहता है। छोटे से प्लांट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बैंक इसमें आपको लोन भी प्रोवाइड करता है, साथ में सब्सिडी भी आपको इसमें मिल जाता है, लगभग 30-35% का सब्सिडी भी मिलता है। और इसमें अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग 2000 रुपये पर डे का, यानी कि आप अगर एक शिफ्ट में काम करते हैं, सुबह मशीन चलाया आपने, शाम को बंद किया, लगभग 8-10 घंटे अगर आप काम करते हैं तो 2-2.5 हज़ार रुपये का डेली का आप प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में आगे कि भाई ये बायोमास पैलेट होता कैसे है, बनता कैसे है, मशीन की इन्वेस्टमेंट क्या जाएगी और कितने कितने मॉडल इसमें मार्केट में अवेलेबल हैं मशीन्स के। तो आप अपनी जो पॉकेट है आपके, अपनी आपके पास जो बजट है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि कैसे या कौन सा मॉडल आपने लेकर के शुरू करना है। बिज़नेस बहुत शानदार है दोस्तों, मार्केट में जैसे मैंने बताया कि डिमांड अभी बढ़ती जा रही है, 3-4 रुपये किलो का प्रॉफिट मार्जिन है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जो मैं मशीन दिखाऊंगा वो सबसे छोटा मॉडल रहेगा। इस मशीन की जो प्रोडक्शन है वो 50 किलो प्रति घंटा, 50 से 60 किलो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, इतना प्रोडक्शन एक घंटे का आ जाता है। तो मतलब अब समझ लेते हैं कि मेरे पीछे जो मशीन है, प्रॉपर मैं एक बंदे को बुलाता हूँ जो कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये एक अहमदाबाद की एक मैन्युफैक्चरर है, सिग्मा टेक इंजीनियरिंग के नाम से कंपनी है। बहुत सारे प्लांट, अलग अलग तरह के ये प्लांट ये लोग बनाते हैं, फिश फीड बना रहे हैं, कैटल फीड बना रहे हैं, उनके रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाई है, आप युवा बिजनेस आइडियाज़ पे जाके चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जो इनके और जो प्लांट है। तो पर्टिकुलरली अब आते हैं इस वीडियो में कि ये बायोमास पैलेट कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, कैसे आप इसमें कमा पाओगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं, कचरे से पैसे बनाने की टेक्निक प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि कैसे बनाना है। मेरे साथ में अभी प्रमोद भाई हैं जो हमें हेल्प करने वाले हैं, सिग्मा टेक इंजीनियरिंग से सर हैं, और हमें इनसे हम बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं कि भाई कैसे इस प्रोडक्ट को तैयार करना है। तो मेरे सामने अभी जो ये देख रहे हो आप, मेरे साथ में जो रखा है ये है भाई लकड़ी का बुरादा, जो है इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ दिस बिज़नेस, मतलब जो पैलेट है बायोमास पैलेट है उसका बिल्कुल बैकबोन, मेन प्रोडक्ट। अब सर मैं प्रमोद भाई से ये पूछूंगा, प्रमोद भाई मैंने ये जो लकड़ी का बुरादा है ना, बहुत सारे गांव में हो सकता है कि कुछ जो लकड़ का काम करते हैं वो फ्री में भी दे दे, लेकिन आजकल फ्री में देने वाले लोग बचे नहीं हैं। तो आप ये मैं पूछना चाहूंगा कि लगभग कितने रुपए से कितने रुपए किलो तक का इसको खरीदा जा सकता है मार्केट से? आप लोग मशीन बनाते हो, आपको आइडिया होगा। बिल्कुल सर, इंडिया में हर एरिया में इसका जो प्राइस है जी लगभग अलग अलग है, लेकिन हम बात करें एक रेंज का, हाँ, 2 रुपया से लेके 5 रुपये तक का। तो मतलब ये डिपेंड करेगा कि भाई अगर बहुत ज्यादा गांव देहात है तो थोड़ा सस्ता मिल सस्ता गया, मिल जाएगा। सिटी है तो थोड़ा महंगा मिल गया, राइट, है ना, 2-5 रुपये किलो। अब सर मेन चीज है कि अब बस इसको ऐसे कैसे मशीन में डालना है, इसमें कुछ मिलाना भी है? मिलाना सर, ऑफकोर्स मिलाना है। इसमें क्या मिलाएंगे? इसमें हम पानी मिला सकते हैं और भी, या सिर्फ पानी से ही बात बन जाएगी? पानी से ही बात बन जाएगी 99% तक। कुछ मटेरियल ऐसा होता है उसमें हम थोड़ा मोबी ऑयल डालते हैं। अच्छा, जो जला हुआ रहता है, मतलब यानी कि जो कार से, बाइक से, स्कूटी से जो इंजन ऑयल निकल रहा है, यस, तो यानी कि यार ये मतलब एक वेस्ट और दूसरा वेस्ट और खरीद करके आपने इसमें मतलब मिला करके बढ़िया प्रोडक्ट बना लेना है, राइट। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब दोनों वेस्ट से मिलकर बनेगा। अच्छा, फिर इसमें कितना मिलाना है वो कैसे पता चलेगा कितना मिलाए? सर मॉइस्चर मीटर होता है। हाँ, ये मॉइस्चर मीटर है आपके हाथ में, राइट। कितने रुपए का आता है ये? सर ये मशीन के साथ फ्री देते हैं। अच्छा, ये साथ में ही दोगे? हाँ, ठीक है। इसका क्या यूज है जी? इसका हम जो भी जितना भी मॉइस्चर लेना होता है, हाँ, उस हिसाब से इसमें हम पानी डालते हैं। तो कितना मॉइस्चर रखना चाहिए? 25 से 30% राइट। यानी कि 100 किलो अगर बुरादा लिया तो उसमें से 25 से 30 किलो या लीटर पानी डाल लें, पानी या इंजन ऑयल, है ना, जो खराब वाला जो इंजन ऑयल है, जला हुआ वेस्ट, ठीक है। अच्छा, वो मिला दिया सर जी। फिर उसके बाद अभी आपने थोड़ा सा फिर ये इसमें डाला हुआ है, बना के थोड़ा बहुत दिखाना सर एक बार भाई, एक बार आप प्लीज थोड़ा सा दिखाएं।
ये हम इन्होंने पहले बना के रखा है ताकि वीडियो में टाइम बचाया जा सके। प्रमोद भाई एक बार थोड़ा सा दिखाइए ना मॉइस्चर इसका कितना है, लगाइए एक बार मशीन इस पर। ये जा रहा है 26, 24, 25। हाँ मतलब वही 27-28 जो आपने बोला 25 से 30% रखना है, तो मतलब इसमें आपने लगभग इतना पानी मिलाया। बिल्कुल ठीक है सर, सिर्फ इतना, ये दो ही चीज़ है ना बस। हाँ इतना मिक्स करके इसमें डाल दो मशीन डाल दो। क्या करना रहेगा इसके बाद में? मशीन चालू करेंगे। मशीन चालू करना है ठीक है जी। ओके हाँ फिर मटेरियल, ये मटेरियल मिक्स होने लग जाएगा। अच्छा ठीक है जी, मटेरियल मिक्स हो रहा है। उसके बाद हाँ इसको थोड़ा हम इसको खोल लेंगे, मतलब लूज करके ठीक है खोल देते हैं ताकि मटेरियल उस। अच्छा मिक्स होके इसमें बाहर आता रहेगा ये? आता रहेगा ये। ठीक है ठीक ठीक। उसके बाद ये मटेरियल हम इसमें, हाँ मतलब ये पूरा एक कंटेनर भर लो एक बार एक साथ में। बिल्कुल ये देखिए भाई। अच्छा इसमें प्रमोद भाई ये जो मोटर वगैरह इसमें कितने एचपी का मोटर लगा है इसके अंदर? 1 HP का। 1 HP का मोटर लगा हुआ है और इस पर वारंटी वगैरह आपका सब रहेगा 1 साल का? बिल्कुल या ज़्यादा रहे? 1 ईयर का। 1 ईयर का इस पर रहेगा गारंटी वारंटी। वो साथ साथ मिक्स करता रहता है और इधर नीचे आकर इसमें गिरता रहेगा। ये देखो अभी हम मेरे ख्याल से अब काफ़ी है, बंद कर सकते हो यार। बिल्कुल बंद कर सकते हैं। हाँ तो ये अब हमने मिक्स होके आ गया। अच्छा इसमें जो मशीन है एक बार सर पीछे मैं चाहूँगा कि मशीन हम दिखा, ये मोटर, ये बायोमास पैलेट मेकिंग मशीन का सबसे छोटा मॉडल है 15 HP का, और ये जो मोटर लगी है ये 15 HP की है। 3-phase कनेक्शन इसमें चाहिएगा आपको, इस प्लांट को छोटा सा जो प्लांट आपको स्टार्ट करना है 3-phase कनेक्शन आपको लेना पड़ेगा। भाई डालिए इसमें, अभी इसमें ऐसे थोड़ा थोड़ा डालना है क्या? अच्छा स्टार्टिंग में थोड़ा डालना, फिर बाद में ऊपर भर सकते हैं पूरा ऐसे। अच्छा ये मतलब डालते ही वो तो निकलना भी स्टार्ट हो गया है, ये मतलब बड़ा गजब का यार, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है। मतलब इधर से डालो और तुरंत के साथ ही आपका जो है ना पैलेट बन के निकलना स्टार्ट हो गया है। ये देखो भाई, ये जैसे ही आपने ऊपर से रॉ मटेरियल डाला और ये पैलेट आना स्टार्ट हो गया है। अभी ना हमने इसमें पानी मिलाया क्योंकि हमारे पास इंजन ऑयल था नहीं, या मिलाया आपने इंजन ऑयल इसमें? नहीं। मिलाया क्या? नहीं, नहीं मिलाया ना। तो अभी हमने ये पानी से बनाया सिर्फ आपको डेमो करके दिखाने के लिए। बाकी इसमें इंजन ऑयल आप थोड़ा ऐड करोगे ना, फूका हुआ वेस्ट इंजन ऑयल, कभी सोचो कि नया खरीद के लेके आना है 200-250 रुपये लीटर वाला, वो जो 3-4 रुपये के लीटर जो मिलेगा ना वेस्ट, वो ला करके इसमें मिलाना है आपको। और फिर जो आपका पैलेट बनेगा ना वो बिल्कुल ऐसा गजब का बनेगा कि जितनी भी जो भट्टी चाय जो बना रहे हैं भट्टी पे, कोई ना कोई तंदूर का काम कर रहा है, बहुत सारी जगह कोयला बैन हो गया, कोयला महंगा भी हो गया, तो ये उससे सस्ता बनता है। अब कितना सस्ता बनता है उसका भी प्रोसीजर समझ लेते हैं। प्रमोद भाई रॉ मटेरियल का खर्चा जोड़ के, बिजली का खर्चा जोड़ के, और जो एक लड़का जो इसमें काम कर रहा है उसका खर्चा जोड़ करके कितने रुपए की लागत में तैयार हो जाएगा? जो खर्चा आएगा, हाँ, 7 रुपीज के नियर अबाउट आएगा, लगभग 7 रुपए के आसपास। ठीक है अच्छा फिर इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना ले सकते हैं, मार्केट में क्या रेट बिकता है? सबसे पहले समझने की जरूरत है कि जब आप इसको बेचने जाओगे कितने का बिकता है? प्रमोद भाई वो बताइए कितने का बिकेगा ये? सर ये 12 रुपये से लेके 18 रुपये तक के बिकता है। 12 से 18 पर किलो, यानी कि समझो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन निकला ना आपका वो 5 रुपये के आसपास, या 5 रुपये प्रमोद भाई के हिसाब से मैं कहता हूँ कि अगर थोड़ा कम भी निकले, 4 रुपये भी निकले, तो लगभग आप इसमें 4 रुपये के लगभग प्रॉफिट ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये जो मशीन है इसमें प्रोडक्शन कितना मिलेगा 1 घंटे में? सर ये कितना प्रोडक्शन देगी 1 घंटे में? 50 किलो देगी ये। 50 से 60 kg 50 से 60 kg ठीक है, तो मतलब वही जैसे लगभग 500-600 किलो 1 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, अभी अगर हमें ये बताइए कि इसको बेचना है, इसकी मार्केटिंग कैसे करें, कहाँ जाके बेचें, ऑर्डर कहाँ से लाएं, वो थोड़ा समझाओ। सर इसकी मार्केटिंग आज के डेट में बहुत सिंपल है। हाँ क्योंकि लगभग हर जगह इस मशीन की रिक्वायरमेंट है। हाँ जी ठीक है। हाँ उस हिसाब से मार्केट भी इसका बना हुआ है। हाँ खरीदने वाले लोग जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, हाँ वहीं मशीन भी चलती है। अच्छा ठीक है, तो उसमें जैसे होटल्स हो गए, हाँ कोयले की जगह पे अब ऐसे पैलेट्स यूज कर रहे हैं, हाँ बिकॉज कोयला महंगा हो गया है। हाँ हाँ दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जी कि ये नेचुरली पॉल्यूशन बहुत कम देता है। हाँ हाँ तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम इससे कम छोड़ रहे हैं। हाँ और इसीलिए ना दोस्तों ये जो अभी प्रमोद भाई बता रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ग्रीन एनर्जी पे आइए, जो बायो एनर्जी पे आइए। तो बायोमास पैलेट
क्योंकि इसका ये फायदा है, एक तो जो आपका पोल्यूशन कम रहेगा, ठीक है, बहुत सारी जगह कोयला बहन है वहाँ पे भी ये चलता है, और इसकी खपत भी, इसके खरीदार भी बहुत मोटे मोटे खरीदार हैं, ऐसे ऐसे खरीदार हैं जो टनों टनों में माल खरीदते हैं, मतलब एक एक टन, दो दो टन, बीस बीस टन, सौ सौ टन माल खरीदने वाले लोग हैं, जिनका बड़े लेवल पे जो बेकरी की मशीन चला रहे हैं, बेकरी बिजनेस कर रहे हैं, कोई अलग तरह की उनकी बड़ी बड़ी कोई भट्टी चल रही है, बड़े बड़े कोई तंदूर चल रहे हैं, तो ऐसा इसका खपत बहुत ज़्यादा है। और आप इसको ना 25 किलो का कट्टा बना करके, 25 किलो का एक बैग बना करके वो आप मार्केट में आप सप्लाई कर सकते हैं। बैग बनाने के लिए आप एक सिंपल एक बैग को स्टिच करने के लिए एक मशीन आती है, मेरे ख्याल से सस्ती मिल जाती है, वो भी आप चेक कर सकते हो, गूगल वगैरह पर मिल जाएगा। तो आप इस बिज़नेस को शुरू करके ना एक अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और साथ में अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन जिन लोगों को ये बिज़नेस सही लगा है भाई, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा बिज़नेस कॉन्टेंट ला के देने के लिए, ताकि आपको घर बैठे कुछ नई नई जानकारी मिलती रहे। और इसके अलावा बायोमास पैलेट के अलावा भी और बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ आपको मेरे YouTube चैनल युवा बिज़नेस आइडियाज़ पे मिल जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को इतने प्यार से इतनी देर तक देखने के लिए, और प्रमोद भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है, प्रमोद भाई को स्पेशल रिक्वेस्ट करके मनाया है, आने को तैयार नहीं थे कि भाई वीडियो में मैं आऊँगा, कह रहे यार किसी और को ले लो, मेरे को शर्म आती है कैमरे के सामने, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत करके भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दिया हमें, जो हमें चाहिए था। धन्यवाद भाई, प्रमोद भाई अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।